हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज ग्रीन किचन में बनने वाली है बड़ी मज़ेदार मिक्स इंस्टेंट वेज बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में, जो कि बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बासमती राइस, 2 कप लेंगे। तो आप चाहे तो नॉर्मल घर में जो ग्लास अवेलेबल रहती है मीडियम साइज़ की, उससे भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चावल को जो है अच्छे से वॉश कर लेना है, सोक नहीं करना, ये याद रखें। और राइस को जो है अच्छे से वॉश कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक्सेस वाटर को जो है अच्छे से रिमूव कर लेंगे या ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे चावल में से सारा पानी जो है हमने हटा लिया है और इसको जो है साइड रख लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम प्रेशर कुकर लेंगे और ऐड करेंगे ऑयल, 4 से बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे स्लाइस्ड ऑनियन, 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन लिया है जो कि बारीक लंबा लंबा स्लाइस करके रख लिया था। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनियन जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए इसे साइड में एक प्लेट में ले लेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे लेंगे पनीर, 150 ग्राम्स लिया है, उसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और सॉल्ट थोड़ा सा। और उसके बाद ऐड करेंगे हल्दी 1/4 छोटी चम्मच और पनीर को जो है अच्छे से टॉस कर लेंगे। इस तरह से करने से पनीर जो है बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। तो इस पनीर को जो है हम फ्राई कर लेंगे उसी तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक स्पैचुला या चम्मच की मदद से दोनों तरफ पनीर को टर्न करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन ऊपर वाला क्रस्ट भी आ गया है। तो इसे साइड रख लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे साबित गरम मसाले, ब्लैक पेपर लेंगे 8, और उसके बाद लेंगे शाह ज़ीरा 1 टीस्पून, या चाहे तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं। और उसके बाद दालचीनी लेंगे, 2 दालचीनी लिया है। और उसके बाद लेंगे लौंग, 6 लौंग लेंगे। और उसके बाद लेंगे तेज़पत्ता, और उसके बाद लेंगे कैशू नट्स 5 लेंगे, और हरी इलायची 1 लेंगे। इन सारे साबित गरम मसालों को जो है हम इसी ऑयल में ऐड कर लेंगे और करीबन 10 से 15 सेकेंड तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साबित गरम मसाले जो है अच्छे से भून गए हैं। तो उसके बाद ऐड करेंगे स्लाइस्ड ऑनियन, 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन लिया है जो कि बारीक अच्छे से कट कर लिया था। तो इसे भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च लिए हैं जो कि बीच में से स्लिट लगा के हमने ऐड किया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से स्टिर कर लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि उसमें जो स्मेल रहती है वो अच्छे से गायब हो जाए। और उसके बाद ऐड करेंगे सॉल्ट, आप टेस्ट अनुसार लें। और उसके बाद ऐड करेंगे आलू, 1 आलू जो कि डाइस शेप में कट कर लिया था। और उसके बाद ऐड करेंगे बीन्स, 7 से 8 बीन्स लिए हैं। और उसके बाद ऐड करेंगे गाजर, 1 गाजर को कट कर लिया था। इन सारे वेजेस को जो है 3 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजीज को जो है हमने मीडियम साइज में कट कर लिया है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ताकि इस तरह से कट करने से वेजीज जो है बिरयानी में बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद लो फ्लेम पर ऐड करेंगे दही 1/2 कप, और उसके बाद ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके बाद ऐड करेंगे बिरयानी मसाला 1/2 टीस्पून, और उसके बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके बाद ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके बाद ऐड करेंगे धनिया पाउडर 3/4 छोटी चम्मच। और इन मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स में कंबाइन कर लेंगे। आप यहाँ पे भी लो फ्लेम ही रखिए। और इस पॉइंट पर वेजीज को कुक होने के लिए हम पहले
एक कप वाटर का इस्तेमाल करेंगे और बाद में दो कप वाटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टोटली इस बिरयानी में 3 कप वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़े से मिंट और कोरिएंडर के लीव्स, और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा 2 to 3 मिनट तक इस ग्रेवी को जो है कुक होने के बाद, उसके बाद फिर से हम ऐड कर लेंगे वाटर, 2 कप वाटर को ऐड कर लेंगे, यानी कि वेज बिरयानी में 3 कप वाटर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और उसके बाद ऐड कर लेंगे बासमती राइस, और उसके बाद ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन थोड़े से, और उसके बाद ऐड करेंगे थोड़े से पनीर क्यूब्स जो कि हमने फ्राई करके रख लिया था, और उसके बाद फिर से ऊपर से ऐड कर लेंगे राइस का लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर से ऐड कर लेंगे पनीर के क्यूब्स, और उसके बाद थोड़े से फ्राइड ऑनियन जो कि हमने पहले में फ्राई करके रख लिया था, और उसके बाद ऐड करेंगे थोड़े से धनिया पत्ती और कोरिएंडर के लीव्स, और बाकी के लास्ट लेयर यानी कि राइस लेयर ऐड कर लेंगे, और फिर से इसी तरह से पनीर, कोरिएंडर लीव्स और फ्राइड ऑनियन को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लेयरिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया, और उसके बाद ऐड करेंगे घी, 2 टीस्पून ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर पिंच, ऑप्शनल है ये टोटली, आप अगर चाहे तो ऐड करें वरना स्किप करें, और यहाँ पे ऐड करेंगे येलो फूड कलर 1 पिंच, ऑप्शनल है ये भी। यहाँ पे सिर्फ हम ऐड करें ताकि बिरयानी जो है कलरफुल लगे। आप इस पॉइंट पर चाहे तो सैफ्रन स्ट्रैंड्स यानी कि केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करें और विजिल रख दें, और 1 विजिल आने के बाद 3 मिनट तक लो फ्लेम पर बिरयानी को जो है कुक होने रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कुकर को जो है हम टोटली ठंडा कर लेंगे, यानी कि अच्छे से प्रेशर जाने तक, और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं इंस्टेंट वेज बिरयानी जो है बिल्कुल परफेक्ट से रेडी होके तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्के हाथों से हम राइस को जो है अंदर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं चावल का दाना जो है अलग अलग हो रहा है, यानी कि अच्छे से परफेक्ट से बिरयानी बन के रेडी है। ये टेस्ट जो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह रहती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस रेसिपी को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है ज़रूर से क्लिक करें। फिर हम मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।